प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5, पकौड़ी। इस कविता में कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी के तलने से लेकर उसे मुंह में जाने तक का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। जब पकौड़ी को तेल में छाना जाता है तो ऐसा लगता है कि वह तेल में छुन छुन करके नाच रही हो। तली पकौड़ी प्लेट में आने पर शर्माई सी लगती है। दौड़ती हुई पकौड़ी हाथ से उछलकर सीधे पेट तक जा पहुंचती है। कवि कहता है कि पेट में जाकर पकौड़ी घबरा सी जाती है। कवि के मन को पकौड़ी खूब भाती है। ठीक है, तो कवि ने किस तरीके से इस कविता को लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, इसका क्या मतलब है? कवि की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पकौड़ी दौड़ी दौड़ी आती है तथा छुन छुन करके तेल में नाचने लगती है। जब पकौड़ी खाने के लिए प्लेट में आती है तो शर्मा जाती है। कवि कहता है कि पकौड़ी दौड़ी दौड़ी सी आती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। ठीक है, तो यहां कवि का क्या कहने का मतलब है? यहां कवि कहता है कि पकौड़ी हाथ से उछलकर सीधे मुंह में पहुंचती है तथा वहां से पेट में जा पहुंचती है। पेट में जाकर पकौड़ी घबरा जाती है। कवि कहता है कि पकौड़ी उसके मन को खूब भाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला कविता पढ़ी। ठीक है, अब आइए यहां देखते हैं इसमें करना क्या है, क्या भाता है क्या नहीं भाता है। भाता का मतलब पसंद होना, क्या भाता है मतलब क्या आपको पसंद आता है, क्या नहीं भाता मतलब क्या आपको पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ें यहाँ दिखाई गई है, अब आपको बताना है। जलेबी, जलेबी को आप मज़े से खाएंगे कि ज़बरदस्ती खाना पड़ेगा कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए जलेबी को क्या करेंगे आप, मज़े से खाएंगे? मज़े से खाएंगे तो ये सही का निशान। पकौड़ी ये भी मज़े से खाएंगे, तो चलिए मज़े से खाएंगे मतलब यहाँ निशान। बैंगन मज़े से खाएंगे या खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा मतलब ज़बरदस्ती दिया जाए तो खा लेंगे, तो चलो इस यहाँ निशान लगाएंगे। चुस्की, चुस्की ये बर्फ़ का बना होता है, बर्फ़ का गोला, ये भी मज़े से खाएंगे, तो चलिए हम यहाँ करते हैं। ठीक है, अब करेला नहीं खाएंगे तो यहाँ लगेगा भाई। हालांकि बच्चों एक बात बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर करेला देख के भागते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विटामिन की दृष्टि से देखा जाए, सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो करेले खाने चाहिए, यह बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं घिया, ये पसंद है, चलिए पसंद है तो यहाँ टिक लगाएंगे, नहीं पसंद है लेकिन मिलेगा तो खा लेंगे तो यहाँ टिक लगेगा। ठीक है, आलू मिलेगा तो खा लेंगे लेकिन पसंद नहीं है तो वो यहाँ लगाएंगे टिक। ठीक है, और आम, आम पसंद है? पसंद है, दुनिया के हर आदमी को आम पसंद है, तो पसंद है तो हमने यहाँ टिक लगाया। यदि पसंद नहीं है फिर भी मिलने से खा लेंगे तो यहाँ टिक लगाएंगे, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो यहाँ टिक लगेगा। तो इस तरीके से हमने इसका अभ्यास किया है, और मैं चाहूँगा कि अपनी अपनी किताबें निकालिए और किताब में अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।